हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के इस लेक्चर सीरीज में आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज, राइट। तो बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे कि नाउअडेज जो भी क्लाउड रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो किस तरीके से ग्लोबली यूज किए जा रहे हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, एंड देन वेरियस एंटिटीज जो इस प्रोसेस में यूज होती है, मीन्स कि ये जो ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज होता है इसमें कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो सबसे पहली चीज ये कि क्या रिक्वायरमेंट था, ये जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसका अगर ग्लोबल एक्सचेंज की बात करते हैं, मीन्स कि अगर वो ग्लोबली यूज हो रही हैं या जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो किस तरीके से ग्लोबली यूज किए जा रहे हैं, राइट, और इसका नीड क्या है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी सिस्टम प्रेजेंट सिस्टम मींस अवेलेबल था, तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा था कि कोई भी यूजर, सपोज यहाँ पे कोई भी अगर इंडिविजुअल यूजर है और उसने किसी सर्विस प्रोवाइडर से कोई भी सर्विसेज को ले रखा, तो क्या है कि ये हर समय सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा इस सर्विस प्रोवाइडर पे, राइट। और ये प्रोवाइडर अगर उसे सही से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ये अब यहाँ पे इसको कोई भी दूसरे प्रोवाइडर को तुरंत से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी क्या होगा यहाँ पे उसने उसको पेमेंट कर रखी होगी, तो बीच में या तो अगर वो चेंज करता है प्रोवाइडर तो एक वो उसको मीन्स लॉस होगा कि जो भी उसने पैसा पे किया है उसको वो वेस्ट हो जाएगा, तो एक तो ये चीज थी। प्लस अगर रिसोर्सेज की बात करें तो सपोज अगर इस प्रोवाइडर के पास वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो क्या वो मल्टीपल प्रोवाइडर से तो लिंक करेगा नहीं, क्योंकि अगर मल्टीपल प्रोवाइडर से लिंक करता है तो वहां पे क्या होगा कि उसको हर जो भी प्रोवाइडर है उसके लिए अलग अलग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये सारे लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए बेसिकली ये जो क्लाउड का सिस्टम था तो इसमें क्या हुआ, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसको ग्लोबली एक्सचेंज मींस उसको जो भी यूजर्स अवेलेबल है क्या करते थे, सिंपली क्लाउड के थ्रू किसी भी रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक मैकेनिज्म आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से ये जो ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस होता था वो किस तरीके से अकम्प्लिश होता था, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे इस डायग्राम में मेंशन किया हुआ है एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। वो क्या करेगा, सपोज कोई भी एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एंटरप्राइज है, उसमें डिफरेंट सिस्टम मींस ये इसका मेन सर्वर सिस्टम या मेन कंप्यूटर सिस्टम जिसके थ्रू सारे रिसोर्सेज मैनेज हो रहे हैं, एंड देन ये सपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि इसको मेंशन किया है एंटरप्राइज आईटी कंज्यूमर, यानी कि मेन ऑर्गेनाइजेशन से जो कनेक्टिंग जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस प्रोवाइडर से वो इससे कनेक्टेड होंगे और उनकी सर्विसेज को आगे प्रोसेस करेंगे, राइट। देन यहाँ पे डिफरेंट ब्रोकर्स इन्वॉल्व होंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो भी होता है रिसोर्सेज, अगर मैनेजमेंट के रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो डिफरेंट ब्रोकर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, पर्टिकुलरली इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस में, जो कि क्या करते हैं डिफरेंट यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में एक इंटरफेस, एक मीडियम की तरीके से वर्क करते हैं जो कि दोनों के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे एन नंबर ऑफ ब्रोकर्स हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि ये जो भी सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, कितने ब्रोकर्स का इसको रिक्वायरमेंट है, राइट। अब इसके बाद एक यहाँ पे सेंट्रल डायरेक्टरी मैंने यहाँ पे मेंशन की है जो कि इसमें डायरेक्टरी होगा, देन बैंक एंड देन ऑक्शनर, राइट। अब डायरेक्टरी में क्या है, जो भी रिसोर्सेज है, जो भी सर्विसेज है वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे, ठीक है। देन बैंक क्या होगा, क्योंकि क्लाइंट यहाँ पे क्या है, जो भी चार्जेस वगैरह पे करता है, तो बेसिकली यहाँ पे बैंक का रोल होगा जो कि क्या करेगा, जो भी रिसोर्स यूजर यूज कर रहा है और उसका पेमेंट वगैरह, ये सारी चीजें इससे कनेक्टेड होंगी और ये ही सारा पेमेंट का मैनेजमेंट चेक करेगा। देन ऑक्शनर का काम यहाँ पे क्या है कि जितने भी ब्रोकर्स हैं, ठीक है, वो जितने भी मींस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो चार्जेस वगैरह क्या होगा, किस बेसिस पे, या जो बिड वगैरह की, एक्चुअली कई सारे अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटर्स हैं वहां पे अगर इन्वॉल्व है सर्विस प्रोवाइड करने में, तो एक्चुअली कौन सा सर्विस प्रोवाइडर किस यूजर को या मार्केट में कौन सा किसका लॉन्च होगा सर्विस, ये सारी चीजें बेसिकली ये आपका ब्रोकर और ये डिफरेंट जो सेंट्रल डायरेक्टर और सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम, वो सब इसमें आपस में इस तरीके से लिंक होंगे और यहाँ से यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस पर्टिकुलर सेंट्रल सिस्टम से डिफरेंट स्टोरेजेस, यानी कि जो सर्विसेज और जो स्टोरेजेस होंगे वो लिंक्ड अप होंगे, जैसे मैंने एक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्टोरेज क्लाउड, जो कि यहाँ पे क्या है डिफरेंट क्लाउड स्टोरेज, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि क्लाउड स्टोरेजेस प्रोवाइड करती हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज इससे
कनेक्टेड होंगी जो कि डिफरेंट मीन्स स्टोरेजेस प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट क्लाइंट्स को. ठीक है, तो ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया जो कि किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी भी मीन्स इस तरह के अगर रिसोर्सेज हैं उसको स्टोर करने के लिए, तो पर्टिकुलर यहाँ पे एक डेडिकेटेड क्लाउड स्टोरेज होगा. राइट, देन इसके बाद कंप्यूट क्लाउड. कंप्यूट क्लाउड का रिक्वायरमेंट क्या होगा कि जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है उसका डिफरेंट मैकेनिज्म प्रोसेसिंग इन सबको कंप्लीट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे कंप्यूट क्लाउड, उस पर सिस्टम्स अवेलेबल होंगे और विद द हेल्प ऑफ दीज मशीन्स जो भी प्रोसेसिंग वगैरह होगा ये सारा इसमें कंप्लीट होगा. देन इसी तरीके से अगेन मल्टीपल क्लाउड स्टोरेजेस यहाँ पे कनेक्टेड होंगे. इसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे कंप्यूट क्लाउड, मल्टीपल कंप्यूट क्लाउड्स भी होंगे डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के. मींस कि जो क्या है इसमें क्या है कि 1000 नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे बेसिकली कनेक्टेड है, तो एक तो सिर्फ एक सिस्टम पे, एक लोकेशन, एक स्टोरेज पे तो डिपेंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे मल्टीपल आपके स्टोरेजेस या मल्टीपल क्लाउड सिस्टम्स या कंप्यूट सिस्टम्स यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व होंगे. राइट, जो कि प्रोसेसिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे क्या है बेसिकली जो सर्विस क्रिएटर्स हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है पब्लिश ऑफर्स. पब्लिश ऑफर्स का मतलब ये है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो एक्चुअली में अपनी सर्विसेज को क्रिएट करके इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में स्टोर कर सकते हैं. राइट, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज होंगे तभी यहाँ पे यूजर इन सर्विसेज को चेक करेगा और यहाँ से सर्विसेज को यूज करेगा. तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होंगी. प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होगा कि यूजर को सपोज अगर रिक्वेस्ट करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रोकर वो क्या कर सकता है, यहाँ पे डायरेक्टरी से सर्विसेज को सर्च कर सकता है. देन डिफरेंट ये रिसोर्सेज जिसमें स्टोरेज, कंप्यूटिंग, ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इन सारे सर्विसेज को यहाँ से यूजर यूज कर सकता है. राइट, तो ये है आप इसमें जैसे कि देख पा रहे हो कोई एक इंडिविजुअल सिस्टम नहीं है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यहाँ ओवर द क्लाउड डिफरेंट मीन्स यहाँ पे कंट्रीज में डिफरेंट लोकेशंस पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती. राइट, तो ये कंप्लीट प्रोसेस था बेसिकली आपका क्लाउड रिसोर्स को ग्लोबली एक्सचेंज करने का, जिसमें किसी भी प्लेस से, टू प्लेसेस है डिफरेंट प्लेसेस, वहां से आपस में सर्विसेज को शेयर किया जा सकता है, रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है. राइट, अब इसकी डिफरेंट एंटिटीज की इसमें क्या एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी वो मैंने वन बाय वन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो यहाँ पे देख सकते हैं. फर्स्ट मैंने मेंशन किया है मार्केट डायरेक्टरी जो कि यहाँ पे है, जो कि डिफरेंट सर्विसेज का रिकॉर्ड रखेगा. डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे अपनी सर्विसेज को स्टोर कर सकते हैं. इसी तरीके से बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट जितने भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स वगैरह होंगे उन सबका रिकॉर्ड ये बैंकिंग सिस्टम की हेल्प से मैनेज होगा. देन ब्रोकर्स, ब्रोकर्स यहाँ पे क्या, डिफरेंट सर्विस ब्रोकर्स होंगे जो कि क्या करेंगे, डिफरेंट जो भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स की सर्विसेज है उसको क्लाइंट के तक पहुंचाने का काम करेंगे. बेसिकली ये प्रेजेंट करेंगे डिफरेंट यूजर्स को कि कौन कौन से सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है. देन प्राइस सेटिंग, प्राइस सेटिंग का मीन्स कि जो भी सर्विसेज अवेलेबल है उसका क्या प्राइस वगैरह है, मार्केट में किस नेम से है, इसका क्या एक्चुअल प्राइस है, क्या मीन्स नेगोशिएट करने के बाद क्या प्राइस हो सकता है, वो सारा चीज यहाँ पे बेसिकली एक यहाँ पे मैकेनिज्म सेट होगा. तो प्राइस सेटिंग मैकेनिज्म यहाँ पे यूज किया जाएगा जिसकी हेल्प से डिफरेंट सर्विसेज का प्राइस यहाँ पे यूजर्स को अवेलेबल कराया जाएगा. राइट, देन इसके बाद एडमिशन कंट्रोल मैकेनिज्म. एडमिशन कंट्रोल का मतलब ये है कि जितने भी यूजर यहाँ पे क्लाउड पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रायोरिटी एक मैकेनिज्म यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं जिसकी हेल्प से डिफरेंट यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी. राइट, इसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम. रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है बेसिकली उसको मैनेज का काम करने का काम करेगा और मैनेजमेंट में बेसिकली शेड्यूलिंग हो सकता है, प्रोविजनिंग हो सकता है. ठीक है, और डिफरेंट रिसोर्सेज उसका यूसेज वगैरह ये सारी चीजें इसमें मेंटेन की जाएंगी. देन कंज्यूमर यूटिलिटी फंक्शन. कंज्यूमर यूटिलिटी फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स सम प्रायोरिटी या इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भी यूजर है वो किस सर्विस को यूज कर रहा है. तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्लाउड जो है वो किस टाइप का पेपर यूज मॉडल है. ठीक है, तो जो भी यूटिलिटी यहाँ पे यूजर यूज करेगा तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी के लिए यूजर पे करेगा. ठीक है, बाकी अगर सर्विसेज नहीं यूज कर रहा तो उसके लिए उससे पेमेंट नहीं ली जाएगी. राइट, देन लास्ट वन इज द एंटरप्राइज आईटी कंज्यूमर्स. एंटरप्राइज आईटी कंज्यूमर्स वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो कि यहाँ पे मेन ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस डिजाइनर है या सर्विस क्रिएटर है उससे जो कनेक्टेड होंगे, जो कि कुछ सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं और वो सर्विसेज डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं. राइट, तो ये डिफरेंट एंटिटीज थी जो बेसिकली इस ग्लोबल एक्सचेंज इसमें इन्वॉल्व होती हैं और इस तरीके से डिफरेंट प्लेसेस पे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट यूजर्स को. राइट, सो
आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, राइट। सो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।